Hey guys, welcome to a new video of Airsoft in India. वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट इन इंडिया। एयरसॉफ्ट इन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं सिंगल शॉट के कॉम्बो। सो ये आप देख सकते हो हमारे पास जो है ये पिस्टल्स में अवेलेबल है। वन जो है मैंने जो है राइफल का रखा हुआ है। सो दिस इज हेमन एयर राइफल। ये कॉम्पैक्ट है। अगर आप इजिली जो है इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो, लाइक आपने अभी कोई शूटिंग या स्पोर्ट्स क्लब जो है आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये सारे जो ऑप्शन है काफी अच्छे हो सकते हैं। सो जो है मैं राइफल से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज हेमन एयर राइफल। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। साइज का आप अंदाजा देख सकते हो कितना होगा इसका साइज। एंड ये देख सकते हो इस पे जो है हेमन की ब्रांडिंग वगैरह आती है। सो दिस इज हेमन एयर राइफल। एंड यहाँ पे जो इन्होंने मार्किंग वगैरह कुछ कर रखी है। और ये जो है 0.177 कैलिबर 4.5 mm की इसमें जो है पैलेट्स लगती है। सो दिस इज 4.5 mm पैलेट्स। ये जो है बाकी गन्स में भी कॉमन है। अगर आप पिस्टल लेते हो या फिर राइफल लेते हो तो उसमें जो है दोनों सेम पैलेट्स ही लगता है। एंड ये जो है आपको ब्रेक करना होता है मोर देन 90 डिग्री। सो यहाँ पे जो आपको टैप करना है एंड मोर देन 90 डिग्री से फोल्ड करते हो, जैसे यहाँ पे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। पैलेट्स डालना है, सीधा करना है एंड फायर करना है। काफी अच्छी है। सेकंड हमारे पास है दिस इज हेमन मार्क 3 एयर पिस्टल। ये वाला जो प्रोडक्ट है एंड दिस प्रोडक्ट बोथ आर द सेम वन, ओनली द डिफरेंस इज दोनों जो है सेम ही प्रोडक्ट है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कलर अलग अलग है, जिसमें आप देख सकते हो ये ब्लैक में है एंड ये वुडन फिनिश में है। सो दोनों सेम ही प्रोडक्ट है, सेम वेट है, सेम मैकेनिज्म है, सेम FPS है, सेम पावर है, सब कुछ सेम है। सिर्फ डिफरेंस आपको जो है कलर का ही मिलेगा। सो मैं एक ही एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सो ये जो है ब्लैक कलर में है। ब्रेक करना है मोर देन 90 डिग्री से फोल्ड करके, पैलेट लगा के अगेन ये जो है आप फायर कर सकते हो। सो सिंगल शॉट है तो एट अ टाइम जो है एक पैलेट ही लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ईगल मार्क 3। ये भी सेम है, ब्रेक बैरल है, बैरल ब्रेक करके यहाँ पे जो है आपको ये, बट हाँ ये वाला जो एक्चुअल थिंग है दिस इज वुडन थिंग। बाकी इसमें आप देखते हो तो ये जो है मेटल का आपको ये मिलता है। अदरवाइज इसके साथ आप जाते हो तो ये हार्ड प्लास्टिक नहीं बोल सकते एक तरीके से, इसको मेटल एक तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज कमांडर एयर पिस्टल। ये जो है काफी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक थी, बट ये भी हमारे पास आ गई है। यहाँ पे देख सकते तो डिजाइन वगैरह बहुत ऑसम है। 0.177 कैलिबर की है। इसमें जो है आपको अलग से जो है सप्रेशर थिंग मिलती है। सो इससे जो है आप इजीली बैरल को लोड कर सकते हो, बिकॉज उसमें जो है आपको थोड़ा सा टफ होता है एंड इसमें जो ऑप्शन मिलता है। सो इजीली आप इसको लोड कर सकते हो। ये वर्क लाइक दिस। सो काफी अच्छी है। ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। इन सब के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है वो रिक्वायर्ड होगा। सो अगर आपके पास आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप शेयर कर सकते हो। एंड इसको ऑर्डर करना बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, वेबसाइट से जाकर के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो डेफिनेटली आप जो है स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, उस पर आप जो है हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड इफ हम अवेलेबल नहीं है आप हमें कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे तरफ से जो कॉल है वो 24 hours में आ जाती है। मेल कर सकते हैं आप हमें info@airsoftgandia.com या airsoftgandia@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाली ऑसम गन की जो आपको वीडियोस मिलती रहे। सो टिल देन गाइस हैव फन।